दादी माँ तुमको दूध का ग्लास देना भूल गई थी, ले आई हूँ। अच्छा दीदी, दरअसल मैं एक बात बताना भूल गई थी, सावधान रहना, ज्यादातर शहर वाले धोखेबाज होते हैं। वैसे तुम्हारे पति इतने धोखेबाज नहीं दिखते। ये तो देवता है। देवता भी कौन से शरीफ हैं? सबके दो फैमिली हैं, तिरुपति बालाजी के दो, भगवान कृष्ण के दो और शिव के दो। श्रीराम के तो एक ही है ना? हाँ हाँ, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, करोड़ों में एक? ये करोड़ों में एक है। तुमने सही कहा संध्या। अंदर से बंद है, सब लोग कहां सो रहे हैं? ओह, यहां सो रहे हैं। ठंड की वजह से सब ओढ़कर सो रहे हैं, इसमें से सपना कौन होगी? कैसे पता लगा हो? इस फिगर को देखने से लगता है कि सपना यही होगी, नो डाउट। उठा के देखता हूं। सपना, सपना, हे, धोखा खा गया। अरे बाप रे, क्या पकड़ है इसकी? अरे बाप रे, रॉन्ग नंबर। अरे बाप रे, सासू माँ। देखो कैसे खराटे मार रहा है, बुलडोजर की तरह। सुना, थोड़ा पानी दो। अरे तुम यहां हो। तुम्हारे हाथ को उस रात मैंने छुआ भी नहीं। मैं बेगुनाह हो के भी गुनहगार बन गया था। अब यहां पर क्या हो रहा है बताना है, बाहर चलो सब बताता हूं। प्लीज सिर्फ एक बार मेरे साथ बाहर आओ। सपना, सपना। दामाद जी, दामाद जी। अरे सब उठ गए? सॉरी, मेरी वजह से लगता है सब डिस्टर्ब हो गए। खैर कोई बात नहीं, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं पीने के लिए पानी ढूंढ रहा था। पानी? पानी अलमारी में कैसे होगा? अलमारी? ओ, मैं फ्रिज समझ रहा था। अंधेरा था ना, दिखाई नहीं दिया। दूध पानी भिजवा दिया था ना? क्यों सपना, तूने नहीं दिया? दिया था, प्यास नहीं बुझी होगी, शायद इन्हें और चाहिए। दिया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं ऊपर जाके पी लूंगा। ओके, गुड नाइट। प्यों जी, ये दामाद जी क्यों अजीबोगरीब लग रहे हैं? सुहागरात है ना, सब ऐसे ही होते हैं। याद नहीं हमारी सुहागरात में मैं इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब। फौरन अपनी बात ले लेते हैं, चलिए। दीदी का कमरा बगल में है, प्लीज। सपना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कम से कम एक बार सुनो तो सही। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। सपना, तुम्हारी दीदी को किसी ने प्यार करके धोखा दिया, वो आत्महत्या करने वाली थी, मैंने उसे बचाया। उसके अलावा दीदी ने सब कुछ बता दिया है, तुम्हारी मुलाकात, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी शादी, सब कुछ, सब कुछ। ये कहानी मैंने तुम्हारी दीदी को बोलने के लिए कहा। बस करो ये कहानियां, वैसे भी दीदी को मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। नहीं सपना, मैं झूठ। टच मी। ओके ओके।
सॉरी, मेरी बात तो कोई जरूरत नहीं। एक शादीशुदा मर्द का एक पराई लड़की के कमरे में आना सभ्यता और संस्कार के खिलाफ है। सॉरी, उधर मुड़की। सपना, मेरी शादी नहीं हुई, तुम्हारी दीदी से मेरी मुलाकात सिर्फ दो दिन पहले ही हुई है, मेरा विश्वास। इतनी जल्दी मेरी दीदी से जी भर गया? हमारे पुराने रिश्ते के आड़ में तुम इस तरह बर्ताव करोगे तो मेरी दीदी सह नहीं पाएंगी। मैंने अपनी किस्मत से समझौता किया, कम से कम मेरी दीदी के अच्छे पति बन के तो रहो। हमारे दरमियान जो रिश्ता था उसे भुलाने के लिए पुरानी यादों को जलाकर राख करना होगा, सपना, उन्हें मिटाना होगा। सपना, जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश करो। सपना और तुम्हारे बीच क्या संबंध है? सुनो दामाद जी, ये तुम हो, ये सपना है और ये संध्या। सपना से तुम प्यार करते हो लेकिन आए हो संध्या के पति बन के, ये जानकर सपना और तुम्हारे बीच फासला आ गया है। ये बात संध्या को तुमने बताई मत बताना। दरअसल तुम ये नाटक इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब हमारे बेटे से डरते हैं। हम उसी से बात करके फैसला करेंगे। आप रिस्क तो नहीं उठा रहे हैं? रिस्क की काम और विस्की जाम बस यूं ही ले लेकिन फिर भी तुम बीच में बात मत करो। हम इस घर के बुड्ढे शेर हैं, वो तो बच्चा है, हम फैसला करेंगे। राजेंद्र, राजेंद्र, क्यों क्यों चिल्ला रहे? क्यों क्या, यहाँ जिंदगी तहस नहस हो रही है। जब भी बात करते हो आन बान और शान का भाषण टनों के हिसाब से झाड़ते हो। हमारी मान मर्यादा बचाने के लिए राजेश ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। जो कहना है साफ साफ कहिए। राजेश सपना से प्यार कर रहा है। आपका दिमाग खराब है, वो संध्या का पति है। नहीं, संध्या को किसी ने धोखा दिया इसलिए वो तुमसे डरकर खुदकुशी करने जा रही थी। तब राजेश ने ना सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि तुम्हारी झूठी शान बचाने के लिए संध्या के पति का किरदार निभाने यहां आया हुआ है। संध्या, इन्होंने जो कहा वो सच है? संध्या, तुझे डरो। तुम्हारे दो टके के अनुशासन की वजह से ही इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम मंजूरी दो या ना दो कोई बात नहीं, बुजुर्ग होने के नाते राजेश और सपना की शादी कराने का इस राय बहादुर विश्वेश्वर सिंह ने फैसला किया है। राजेश, सपना, यहां आ जाओ। हो गई। कुछ नहीं हुआ है, बोतल खाली हो गई। फिर तुम्हारी शादी? अगर आप चाहें तो होगी। हम चाहते हैं, अभी फैसला कर देते हैं। अभी रहने दीजिए, कल सुबह देख लेंगे। सुबह तक नशा उतर जाएगा, अभी फैसला कर देते हैं। रुक क्यों गए? उसके हाथ में गन हो गया। गन से वो आपका क्या करेंगे? गोली मार देगा। कोई बेटा अपने बाप को गोली मारता है क्या? ये वो जानता है, हम जानते हैं, गन थोड़ी जानती है। एक पैक मार लेते हैं। ओके। पैक काम नहीं कर रहा है क्या? आजकल की दारू का कोई भरोसा नहीं है, सेफ्टी के लिए एक और पैक है। राजेंद्र, ए राजेंद्र, क्यों इतनी रात गई, क्यों शोर मचा रहे, क्या हुआ? मेरी दारू खत्म हो गई। तुमसे एक बात करनी थी। ये क्या दिखा रहे? बस देखे रस्से खुल गई। क्या? सर पीट रहा है। कौन? गायब हो गया। कौन? फिर आ गया। ये क्या, ज्यादा हो गई क्या? ब्याह, ब्याह। किसका ब्याह?
मेरा प्यार क्या प्यार करते हो? ए कमलनाथ, पिताजी को कमरे में ले जाके लेटा। मजाल ठाकुर राजेंद्र प्रसाद सिंह के गांव से आकर हमारे तालाब का पानी पीता है। तुझे इतना मारूंगा कि जिंदगी भर पानी पीने के लायक नहीं रहेगा तू। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारे गाँव में आकर पानी पीता तू। क्या हो रहा है? छोड़ा गांव से आवा है, हमने तालाब का पानी पिया था। छोटा बच्चा, इससे गलती होगी, माफ कर दीजिए। बच्चा छोटा है, प्राण भी तो छोटा है, हम ले ले। रुक जाओ। लेने के लिए कोई जंगली राज नहीं है। क्या किया इस बच्चे ने? इसने हमारे तालाब से पानी, प्यास बुझाने के लिए पानी पिया होगा, हजारों एकड़ जमीन भिगोने के लिए नहीं। एक घूंट पीना भी गलती है। ये पानी हमारे गांव का है। तुम्हारे गांव का पानी पिया इसलिए तुमने मारा। इतनी देर से इस गांव की जमीन पर खड़े हो, यहाँ की हवा में सांस ले रहे हो। तुम्हारी टांग तोड़ दे, तुम्हारी सांस रोक दे। खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? बाबूजी, इस आदमी ने यहाँ पर तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब हमारे दोनों गांव के बीच फूट डालना चाहते हो? हमारे गांव के मामले में दखल देने वाले तुम कौन होते हो? बाबूजी, बच्चे ने जरा सा पानी क्या पी लिया, इस आदमी ने पीटेंगे ही नहीं, जान ले लेंगे। ये पूछने का हक किसी को नहीं है। न जाने कौन से जमाने में शुरू हो गया घुलन का मुकाबला, इस कारण हम गांव वालों के पिए का पानी भी नसीब नहीं हो। मुकाबला बंद करवाई दो ठाकुर साहब। दो बार घोड़ों का मुकाबला हार गए हो, इस बार भी हार गए, तो ये तालाब कहीं हमारा ना हो जाए, इसलिए हमारी तरफदारी कर रहे हो राजेंद्र प्रसाद ठाकुर, और इसीलिए हमारी सीमा में आकर हमारे ही तलवे चाट रहे हो। अपने जबान को लगाम दे। ठाकुर साहब के बारे में, इस गांव के बारे में एक भी लफ्ज गलत कहा तो खड़े खड़े दबा दूंगा। ये मर्दानगी यहाँ नहीं, मुकाबले में दिखाना। दिखा दूंगा, मुकाबले में जीत कर इस तालाब का पानी अपने गाँव वालों के इनाम में दूंगा। ठाकुर साहब का नाम ऊंचा करूंगा। ऊंचा करना बच्चों का खेल नहीं है, घोड़े की रेस ने अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए हैं। ताल ठोक के बोलता हूँ, इस बार जीत हमारी होगी, तालाब हमारा होगा। ठीक है, वो भी देख लेंगे। शाबाश करण सिंह, शाबाश। दामाद का फर्ज दुनिया के सामने ससुर की इज्जत मिट्टी में मिलानी नहीं बल्कि बढ़ानी है, ये बात कोई दामाद जानता हो या नहीं, लेकिन तुमने तो हमारा सर ऊंचा कर दिया, इसलिए हमारी बेटी सपना की शादी तुम से करा।